लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बात फाइनल होती दिख रही है। दोनों दलों में दो दौर की बातचीत के बाद अब अध्यक्षों की मुलाकात हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे। खड़गे के अलावा इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से बैठक की तस्वीरें शेयर की गई हैं। कांग्रेस ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राघव चड्ढा मौजूद रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, यूनाइटेड वी स्टैंड। अरविंद केजरीवाल जी और मैंने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो दोनों दलों के बीच पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों पर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब में आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ दोनों पार्टियां साझा उम्मीदवार उतारेंगी। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग पर कोई ऐलान नहीं किया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में दोनों दलों के बीच 4-3 फॉर्मूले पर बात बन गई है। विधानसभा में प्रचंड बहुमत रखने वाली आप 4 सीटों पर लड़ सकती है तो कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। आप और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर दूसरे दौर की चर्चा के बाद कहा था कि बहुत अच्छा तालमेल है। सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए गठित कांग्रेस की समिति के सदस्य सलमान खुर्शीद ने आप नेता राघव चड्ढा, आतिशी संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज से बातचीत की थी। ये मीटिंग कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश भी मौजूद थे। बैठक के बाद सलमान खुर्शीद ने कहा, हमने लगभग सभी आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की, हमारे बीच तालमेल बहुत अच्छा है। क्या रहा? सुनिए, बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों की बातचीत जो थी बड़ी सार्थक रही। हम लोगों को आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो केमिस्ट्री हम ढूंढ रहे थे वो केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत अच्छी तरह हमारी बातचीत में और जो पूरा समय हमने आज शाम को दिया है उसमें वो केमिस्ट्री हमको दिखी, मिली और उस केमिस्ट्री का हम सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सभी संतुष्ट हैं जो हम आपस में बातचीत करके जिस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ बढ़ने में बड़ा उत्साह है। हम बहुत कामयाबी से उस ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि हम एक अंतिम निर्णय पर पहुंचकर अपने नेतागण के सामने रखकर और वो आप तक फिर हम ला सकते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गोवा, गुजरात, हरियाणा में भी सीटें मांग रही है। पार्टी हर कीमत पर विस्तार करना चाहती है। वहीं कांग्रेस का सारा फोकस दिल्ली, पंजाब पर है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहती है। वैसे इस सीट शेयरिंग के बीच इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक आज यानी शनिवार को भी हुई। वर्चुअल अंदाज में हुई इस बैठक में कई बड़े चेहरे मौजूद नहीं रहे। इस लिस्ट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बंगाल सीएम ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे नदारद दिखे।